प्रयागराज में आज से टेस्ट किट से कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग रैपिड एंटीजन डिटेक्शन किट के जरिए कोरोना संदिग्धों की जांच का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए बुधवार को सीएमओ कार्यालय में ट्रेनिंग भी दी गई थी। राज्य सरकार ने जर्मनी और बेल्जियम से कोरोना की जांच की किट मंगवाई है। यूपी सरकार ने प्रदेश में 5 जिलों को रैपिड एंटीजन डिटेक्शन किट से कोरोना जांच के लिए चिन्हित किया है, जिसमें से प्रयागराज भी शामिल था। प्रयागराज के सीएमओ डॉक्टर जीएस वाजपेयी ने बताया कि एंटीजन डिटेक्शन किट से 1 घंटे में कोरोना की जांच रिपोर्ट आ जाएगी। टेस्ट किट से जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। वहीं रिपोर्ट नेगेटिव आने पर दोबारा लैब से जांच कराकर पुष्टि की जाएगी। जिले में रैपिड एंटीजन डिटेक्शन किट से जांच शुरू हो जाने से कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान जल्द हो सकेगी। वहीं कोरोना संक्रमित को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराने से कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा भी कम हो जाएगा। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट कोरोना का जांच आज पहली बार प्रयागराज में शुरू हुआ है और इसकी रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर टोटल आ जाती है, ठीक है। और इसमें जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो निगेटिव होता है वो उसको फिर हमें RT-PCR से कन्फर्म ही करना होता है। इसीलिए देखा, जो हमने अभी महिला का टेस्ट किया है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट में निगेटिव है, तो हम उनका RT-PCR टेस्ट का भी सैंपल ले लेंगे आज। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह ये प्रयागराज में पहली बार पहले दिन शुरुआत हो रही है। हमारे 6 सेंटर ऐसे हैं जहां पर इस तरह की हम जांचें करेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो और भी सेंटर बढ़ा देंगे। सीएमओ ने कहा ये जांच सरकार द्वारा निःशुल्क कराई जा रही है और किसी भी तरह की कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि रैपिड डिटेक्शन की मार्केट कीमत लगभग 5,000 रुपये है, जबकि सरकार इसे फ्री में जांच करवा रही है। रैपिड किट के माध्यम से जांच कराने के लिए लोगों की लाइन भी देखी गई। 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट आने से लोगों के अंदर जांच कराने की उत्सुकता है और कई लोग स्वतः ही जांच कराने के लिए आगे आ रहे हैं।